प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और हम क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की इंडेफिनिट इंटीग्रल के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 जो कि मैंने लिख दिया है। आइए अब इसे मिलके सॉल्व करते हैं। आप अपनी तरफ से एडवांस रहिए, मैं अपनी तरफ से। चलिए मिलके करते हैं और आप मन में बोल सकते हैं जो मैं पूछूंगा। व्हाट इज साइन 2x? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एग्जैक्टली। 1 प्लस कॉस 2x, याद रखने को कहा था मैंने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में। 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x। 1 प्लस cos 2x 2 cos square x एंड 1 माइनस cos 2x एग्जैक्टली 2 sin square x। आइए सेपरेट करते हैं। 2 अपॉन 2 cos square x प्लस twice sin x cos x अपॉन 2 cos square x e to the power x dx। 2 2 कैंसिल, 1 by cos square will be sec square x, 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, 10x। तो इंटीग्रल विल बी sec square x प्लस sin x अपॉन cos x 10x e टू द पावर x dx। 10x का डेरिवेटिव है sec square x, सो बेटर टू राइट इन दिस वे, इस तरीके से लिखे e टू द पावर x 10x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब ये फॉर्मेट आ गया है जाना पहचाना, हो सकता है आपने पहले देखा हो। e टू द पावर x fx प्लस f'x, और इसका इंटीग्रल भी आपको याद होगा एग्जैक्टली वही जो सोच रहे हैं आप, e टू द पावर x fx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सो यू आर नॉट सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, आपको करके देखना पड़ेगा। तो आइए हम करके देखते हैं। e टू द पावर x 10x dx, दोनों इंटीग्रल सेपरेट करेंगे e टू द पावर x मल्टीप्लाई करके, और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, जैसा है वैसा। इसमें हम फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला मैं लिखता हूं f1 f2 dx, इंटीग्रल का फॉर्मूला बाय पार्ट्स का f1 f2, फर्स्ट इंटू सेकेंड। f1 कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ f2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डीएक्स, मतलब पूरे का इंटीग्रेशन। तो हमने फर्स्ट किसको अज्यूम किया है, 10x को। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से f1 विल रिमेन एज इट इज, f1 10x है, इसको ऐसे ही रखिए। e टू द पावर x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रल dy dx ऑफ 10x, इंटीग्रल e टू द पावर x dx dx प्लस ये जो इंटीग्रल था ये भी लिखना होगा। तो ये इंटीग्रल है e टू द पावर x sec स्क्वायर x, अनटच्ड, इसको छेड़ना नहीं है। आइए देखें क्या होता है। इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x, ई टू द पावर x का इंटीग्रल ई टू द पावर x माइनस 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, ई टू द पावर x का इंटीग्रल ई टू द पावर x प्लस e टू द पावर x sec स्क्वायर x dx प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट c।
ये दोनों कैंसिल और आपका आंसर है टेन एक्स ई एक्स प्लस सी. आंसर इज टेन एक्स ई एक्स, जिसको मैं कहता हूं मतलब ई टू द पावर एक्स को ई एक्स कहा था मैंने, प्लस सी. सो फाइनली आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टेन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी. मजेदार सवाल है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी यूज किया हमने, इस फॉर्मूले का लगभग डेरिवेशन भी समझा. सो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट.